आज के हम ये हनीवेल का थर्मोस्टेट यूज़ कैसे करते हैं वो समझेंगे। यूज़ यानी इसका यूसेस क्या क्या होते हैं और इसमें कैसे कैसे ये काम करता है। सबसे पहले आपको ये ऑन ऑफ का बटन है ये समझ लेना, यहीं से ये ऑन होगा और यहीं से ये ऑफ होगा। अभी ये ऑफ लिखा आ गया, ये यहाँ से ऑन हो गया, ठीक है जी, ऑन हो गया। अब ये सामने आपको फ़ैन का बटन दिख रहा होगा जी, ऑटोमेटिक फ़ैन चला गया, ठीक है। ऑटोमेटिक फ़ैन में यानी आपने जैसे इसमें 22 डिग्री में सेट कर देता हूँ, ये 22 डिग्री रूम का है और जैसे ये 22 डिग्री से ये अधिक पॉइंट डिग्री इधर भी इधर होगा तो ये फ़ैन बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। देगी जैसे अभी इसका फ़ैन बंद हो गया, यदि आप मैनुअल में रखोगे फ़ैन को तो ये फ़ैन बंद नहीं होगा। जैसे देखिए हमने मैनुअल में हाई स्पीड में कर दिया, अभी कोई भी टेम्परेचर आया फ़ैन बंद नहीं होगा। एक तो ये यूज़ हो गया और यहीं से हमारी फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा होती है। देखिए ये लो जो मीडियम जे हाई, ठीक है। उसके बाद ये वेंट मोड पे चला जाएगा, यहीं से ये मोड का बटन है, ये हीट मोड पे और ये कूलिंग मोड पे, ठीक है। और फिर ये हमारे टेम्परेचर अप डाउन करने के बटन है, यहाँ से आप टेम्परेचर अप डाउन करोगे तो वो टेम्परेचर यहाँ पे सेट हो गया। यहाँ से हमने इसको कितना किया, अभी 20 डिग्री सेट किया, ये 20 डिग्री सेट लिखा आ रहा है ना यहाँ पे, ये 20 डिग्री सेट हो गया। अभी हमारा कूलिंग मोड पे चला गया, ठीक है, अभी ये कूलिंग पे चल रहा। और अब इसकी सेटिंगों के बारे में भी समझाता हूँ। देखो इसमें यदि प्रोग्राम आपको कैसे करना है मैं समझाता हूँ एक तौर पे आपको। जैसे मान लीजिए आपको ये टेम्परेचर कितना नीचे जा रहा है, यहाँ पर देखते हैं अपना 18 डिग्री से नीचे नहीं जा रहा है, तो आपको इसमें नीचे ले जाना है। तो नीचे कैसे ले जाओगे आप, ये वाला कीपैड और ये वाला कीपैड जैसे एक साथ आप 30 सेकंड के लिए ऐसे प्रेस करके रखेंगे इसको ऐसे ऐसे, ये देखो तो ये चला गया अपना सेटिंग पे। ये एक नंबर की सेटिंग आ गई, ये दो नंबर की, यहाँ पे आपको जीरो ऐसे जो भी आपको करना हो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अपन ने एक नंबर पे एक नंबर डाल दिया, ये सेट हो गया। अब आ गए 9 नंबर की सेटिंग पे, 10 नंबर की सेटिंग पे, 11 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, ये दिख रहा है। अभी अपना काय पे था, अभी ये 18 नंबर जो था ना 18.5 से नीचे नहीं जा रहा था, ये 21 नंबर की सेटिंग थी। इसको आप सेट कर दोगे अभी हमको चला जा 10 डिग्री तक, तो हम इसको 10 डिग्री यहाँ पे ऐसे डाल के और इन दोनों को यहाँ से ऐसे पकड़ लेंगे तो ये वहीं सेफ हो जाएगा। देखो अभी बताता हूँ, ये सेफ हो गया, ये 19 डिग्री आ गया। पहले अपना कितना नहीं जा रहा था, यहाँ से नीचे नहीं जा रहा था, देखो अभी ये 10 डिग्री आ गया, ये हमारा 10 डिग्री तक काम करने लगेगा, ये 10 डिग्री तक सेट हो जाएगा अब, ठीक है। ऐसे ही आपको और कुछ भी इसमें सेटिंग सीखना है तो मैं इसकी पूरी एक फुल वीडियो बना दूंगा कि आपको इसमें क्या क्या सीखना है। जैसे मान लीजिए अपन ने सेटिंग इसकी कर ली, अब इसको वापस आपको करना है कि ये हमारा जैसे रूम के 20 डिग्री से ज़्यादा आपको सेट नीचे मतलब नहीं आना चाहिए, ये 10 डिग्री है, तो आप फिर इसको और इसको साथ पकड़ेंगे ऐसे ही जैसे पहले पकड़ा था, ऐसे अपन ने साथ पकड़ लिया इसको और ये हमारा सेटिंग पे आ गया। जैसे हम सेटिंग पे चले जाएंगे, कौन से जी 21 नंबर की सेटिंग पे था ये 10 डिग्री। इसको आपको कितना करना है, जैसे आपको रूम का जो भी टेम्परेचर चाहिए होगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे मान लो कोई भी गेस्ट इसको 20 डिग्री से नीचे ना ले जा पाए तो हम इसको कितना कर देंगे यहाँ पे 20 डिग्री, और 20 डिग्री डाल के ये और ये दोनों साथ पकड़ लेंगे, ठीक है। ये अपन ने साथ पकड़ लिया, अब ये 20 डिग्री से नीचे नहीं जाएगा, ये देखो आप कितने ही कीपैड दबाते रहो ये 20 डिग्री से ऊपर जा सकता है मगर नीचे नहीं आएगा, ठीक है। और भी सेटिंग इसमें जानना है आपको, जैसे हीट मोड कोल्ड मोड को आपको करना है तो हम यहाँ से ऐसे इसको कीपैड को दोबारा दबाएंगे और इसके नंबर होते हैं पूरा प्रोग्राम। देखो कंपनी ने अब जैसे मान लो कंपनी नहीं, आप जहाँ पर भी हैं, जैसे आपको यहाँ पर कोल्ड मोड आ रहा है और वेंटिलेशन मोड आ रहा है, हीट मोड अभी लॉक कर रखा है, जैसे आपको लॉक कर रखा है आप हीट मोड पर नहीं जा सकते हो, तो हीट मोड पर जाने के लिए हमको दोबारा वैसी सेटिंग करनी पड़ेगी। देखिए अभी यहाँ से कोल्ड और अपना वेंटिलेशन मोड ही आ रहा है, हीट मोड नहीं आ रहा, हम इसको वापस ऐसे पकड़ लेंगे ऐसे कैसे ही, ये हम इसको पकड़ के जैसे ही 30 सेकंड प्रेस करके रखेंगे ये वापस दोबारा प्रोग्राम पर चला जाएगा। अब देखो अपन प्रोग्राम की बटन दबा के अंदर आ गए पहले नंबर की सेटिंग पे, पहले नंबर की सेटिंग पे ये एक नंबर पे है तो वेंटिलेशन और कूल मोड पे ही जाएगा, और जैसे ही अपन इसको दो नंबर कर देंगे तो ये हीटिंग पे भी जाएगा और वेंटिलेशन मोड पे भी और कूल मोड पे भी जाएगा, और इसको अपन कर देंगे सेफ, ऐसे सेफ कर देंगे तो देखो ये अभी हीट मोड पे भी चला जाएगा। अभी ये कूलिंग मोड है, ये वेंटिलेशन मोड और ये हीट मोड, अब ये तीनों मोडों पर जाने लगा, आपको समझ में आ गया इसको कैसे यूज़ करते हैं।